नमस्कार। आज हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर वन का पेपर जो 19 मई 2013 को हुआ था, उसके इंग्लिश ग्रामर वाले पार्ट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन क्वेश्चंस का सिलेक्शन हमने इस बेस पे किया है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमारे अब तक के किए हुए कवर किए हुए टॉपिक्स में ना हो, यानी अब तक हमने जितनी वीडियो बनाई हैं उनको अगर किसी ने ध्यान से देखा है और थोड़ा अभ्यास किया है तो वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर सकता है। ये जो चार क्वेश्चन है ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें से दिए गए हैं, और ये जो पांच है ये इवनिंग वाली शिफ्ट का जो पेपर था उसमें से दिए गए हैं। आइए एक एक होकर। पहला सेंटेंस, इसको चार पार्ट्स में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में बांटा गया है। ए यहां तक का है, ये जो लगा हुआ है स्लैश, इसके बाद बी वहां तक का है, उसके बाद सी और ये नोवेयर। तो बताना ये है कि इसमें किस पार्ट में गलती है। इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, ये पार्ट ए, वी वुड ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परसूट्स, ये पार्ट बी है, एंड अचीव नथिंग, ये पार्ट सी है। ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस टाइप वन है, जिसके स्ट्रक्चर में इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है और दूसरा क्लॉज सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, यानी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। ऐसा हमने कंडीशनल सेंटेंस टाइप वन करते हुए सीखा था। ये तो ठीक है, ए पार्ट में इफ क्लॉज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इफ वी हैव, पर यहां पर शैल या विल की जगह वुड लगा हुआ है, यानी हमें वुड की जगह शैल या विल होता तो सेंटेंस ठीक होता, वी के साथ शैल होना जरूरी था, तो अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, वी शैल ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परसूट्स एंड अचीव नथिंग, अब ये सेंटेंस ठीक है। तो ये गलती हमारी पकड़ी गई, कंडीशनल सेंटेंस का अध्ययन करने से हमें इस गलती का पता आराम से लग गया। दूसरा, द विविड फोटोज ऑफ मेजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क इज ए ग्राफिक डिपिक्शन ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसमें देखिए, इसमें गलती है सब्जेक्ट को पहचानने न पाने के कारण जो होती है। ऐसा हमने जो एरर्स वन किया था SSCCGL 2013 वाला, उसमें बताया था कि बहुत सारी गलतियां हमसे इसलिए हो जाती है कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते और उसके कारण उसका वर्ब का कौन सा रूप उस सेंटेंस के साथ लगेगा, यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एंड में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ये नहीं बता पाते। या सब्जेक्ट एक से ज्यादा होते हैं एक सेंटेंस के कारण और वो लिंक्ड होते हैं, तो हमें ये नहीं पता होता कि जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग होगा, वर्ब का रूप आएगा, या जो बाद वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट जुड़े होते हैं किसी तीसरे वर्ड से। तो इसके अंदर क्या है कि हम सब्जेक्ट को पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर पहचान ले तो ठीक होगा। देखिए, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है फोटोज, ये वर्ड विविड इसका एडजेक्टिव है,
और ये आगे इसका एक्सप्लेनेशन है कौन से फोटो द फोटोज ऑफ मेजेस्टिक एनिमल्स एंड कलरफुल बर्ड्स फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पार्क। ये इसको एक्सप्लेन करता है बाकी वहां तक पार्क तक का। तो ये सब्जेक्ट हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर गलती है, इज की बजाय आर होगा। उस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लें, एसएससी सीजीएल 2013 एरर हुआ। अगला, इट इज मोर बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन। इसमें सब गलती है डबल कंपैरेटिव की, डबल डिग्री की गलती है। गलती जिस पार्ट में है उसको अंडरलाइन भी किया हुआ है, पर नीचे जो चॉइसेस दी हुई है उनमें से एक हमने चूज करना है। इसमें देखिए बेटर जब यहां पर आ गया, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है गुड एडजेक्टिव, गुड बेटर और बेस्ट। बेटर का मतलब बेहतर, जब बेटर आ गया तो मोर की जरूरत नहीं है, ये फालतू। तो सेंटेंस करेक्ट होता इट इज बेटर टू टेक दिस रूट देन द अदर वन, तो मोर की जरूरत नहीं है, ये इसमें मिस्टेक। द ब्लू व्हेल कॉमा, ये कॉमा इंपॉर्टेंट है देखना, वेइंग मोर देन 150 टन्स, फिर कॉमा, द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ अर्थ। ये जो दो कॉमे लगे होते हैं ये आमतौर पे अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी अगर हम इसको बाहर भी निकाल लें इन कॉमों के अंदर जो कुछ है तो भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग वाला होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉमों के अंदर होता है ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता है, इसके लिए इंफॉर्मेशन में ऐड करता है। तो अगर हम इसको निकाल के देखें तो सेंटेंस क्या बनेगा, द ब्लू व्हेल द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें वर्ब नहीं, और वो वर्ब यहां पर होनी चाहिए इज, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। द ब्लू व्हेल वेइंग मोर देन 150 टन्स इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु। देखिए ऐसी गलतियां बहुत बार मैंने देखी है, ये कह रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन तमिलनाडु, कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु से ठंडी है। आप ध्यान से देखें, कर्नाटक की जलवायु तमिलनाडु की जलवायु से ठंडी हो सकती है, तमिलनाडु से ठंडी नहीं हो सकती। जो कंपैरिजन होगा वो सिमिलर टर्म्स में का होगा, जलवायु का जलवायु से कंपैरिजन होगा, स्टेट का स्टेट से कंपैरिजन होगा, स्टेट के लोगों का स्टेट के लोगों से कंपैरिजन होगा, स्टेट की फर्टाइल लैंड का कंपैरिजन स्टेट की लैंड से होगा। तो यहां पर क्लाइमेट जो तमिलनाडु का क्लाइमेट है उससे कर्नाटक का क्लाइमेट कूलर हो सकता है, तो होना ये चाहिए द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज कूलर देन दैट ऑफ। तब ये सेंटेंस करेक्ट हो। अगला, इफ ही स्मोक्स, यहां स्मोक्स है, If he smokes less, he might get rid of his cough. ये फिर से एक conditional sentence आ गया। हमने ये देखना है कि conditional sentence type 1 है, type 2 है या type 3 है। और उस वीडियो में जिसमें comparison किया हुआ है इन तीनों का, उसमें हमने बताया था कि type 1 की जो structure होती है, उसके अंदर if clause present indefinite tense में होता है,
और दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट क्लॉज है। और टाइप टू में जो इफ क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है और जो फ्यूचर जो दूसरा क्लॉज है वो होता है कंडीशनल में। कंडीशनल किस मतलब है वुड या शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसको कंडीशनल टेंस भी बोलते हैं इसमें। और जो टाइप थ्री है उसके अंदर जो इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और जो दूसरा क्लॉज है वो वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस क्लॉज में होगा। तो इसमें जब यहां पर स्मोक्स आया है तो इसका मतलब जो दूसरा क्लॉज है उसमें माइट की जगह सेल या विल होना चाहिए, ही है तो विल होना चाहिए, यहां विल नहीं, इसका मतलब सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो या तो इसको हम यहां पर स्मोक्स रखें, यहां पर विल कर दें। अगर ये चॉइस आपको वन ऑफ द ऑप्शंस में दी हुई है जो आंसर के ऑप्शंस हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं, या यहां पे स्मोक्ड हो यहां पर वुड हो, ये टाइप टू में चॉइस मिलेगी। अगर ऐसा है तो ऐसा कर लें, ऐसा है वन ऑफ द ऑप्शंस में ऐसा है, आप अगर पेपर के आपके पास चॉइसेस हैं तो, यानी यहां पर स्मोक्ड हो जाएगा और यहां पर माइट की जगह वुड हो जाएगा। ये और तीसरे की चॉइस होती इफ ही हैड स्मोक्ड लेस, इफ ही हैड स्मोक्ड लेस यानी पास्ट परफेक्ट में ही वुड हैव गेट रिड ऑफ हिज कफ, तो वो भी ऑप्शंस में नहीं है, चॉइसेस में नहीं है। इसलिए चॉइसेस में जो दिए हुए हैं उनमें से यही बैठता है इफ ही स्मोक लेस ही वुड गेट रिड ऑफ हिज कफ, यानी वो अगर कम धूम्रपान करे कम स्मोकिंग करे तो वो अपनी जो खांसी है उससे छुटकारा पा जाए। पर ऐसा है नहीं, ऐसे हमारी कल्पना वस्तु स्थिति के अगेंस्ट है, वस्तु स्थिति के विपरीत है, इसलिए कंडीशनल टाइप टू भी होता है। एवरीडे कोमा वी यूजुअली हैड लंच एट 1:30 PM, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें क्लियर आपको पता लगना चाहिए एवरीडे, हर रोज, यूजुअली आमतौर पे, यानी हम किसी का रूटीन बता रहे हैं, किसी का स्वभाव बता रहे हैं। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने वीडियो बनाई थी उसमें देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग हम किसी के व्यवसाय को बताने के लिए, किसी के डेली के रूटीन को बताने के लिए, किसी की आदत को बताने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसमें एवरीडे जब आ गया, यूजुअली भी आ गया, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलती है, यानी हैड की बजाय वी है तो वी के साथ हैव आना चाहिए, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर द हेडमास्टर विद ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम, मुख्य अध्यापक अपने सभी वरिष्ठ अध्यापकों के साथ आ चुके हैं, ये भी सेंटेंस उसी गलती का शिकार है जो कि सब्जेक्ट एक से ज्यादा सब्जेक्ट वाले सेंटेंस के साथ हो जाता है। तो वो जो एसएससी सीजीएल 2013 एरर 1 किया था हमने, उसके अंदर इसका जिक्र था कि अगर दो सब्जेक्ट्स विद के साथ जुड़े हुए हो, ये विद है, ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, हेडमास्टर को और ऑल हिज सीनियर टीचर्स को जोड़ता है। तो जब ऐसे विद के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हो तो हम जो विद के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको इग्नोर करते हैं और विद से जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डेंस में हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये है हेडमास्टर, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके हिसाब से अगर हम वर्ब लगाए तो यहां पर हैव कम नहीं होगा, हैज कम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगला, मिस्टर मुरुगन हैज बीन इन दिस कॉलेज
ये खाली स्थान है और उसके बाद 2010 अभी खाली स्थान में फॉर आफ्टर सिंस या बिफोर इसमें से एक प्रयोग करना है। जब हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें हमने ये बताया था कि ये फॉर और सिंस इनमें से कौन से का प्रयोग होता है, फॉर का या सिंस का। और ये बताया था कि फॉर का प्रयोग जब होता है जब हमें समय का निश्चित पता हो कि कितने कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने पखवाड़े, कितने महीने, कितने साल, कितनी दशाब्दी, कितनी शताब्दी हो चुकी है, जब क्लियर हमें पता हो तब हम फोर का प्रयोग करते हैं। और जब हमें हिसाब लगाना पड़े कि भाई ऐसे कितना सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे हो गए, जब हिसाब लगा के बताना पड़े तो हमें सिंस का प्रयोग करना होता है। इसमें 2010 दिया हुआ तो हमें हिसाब लगाना पड़ेगा कि अब 2013 चल रहा है, ये 2010 से है तो 3 साल हो गए, ऐसे हमें हिसाब लगाना पड़ेगा, इसलिए इसके अंदर सिंस है, सिंस करेक्ट चॉइस होगा। अगर ये दिया होता 2010 की जगह 3 ईयर्स तो हम 4 का प्रयोग कर देते क्योंकि वो निश्चित समय था, हमें पता था कि 3 साल हो गए, इसमें हमें हिसाब लगाना पड़ेगा, इसलिए सिंस आएगा। तो ये हमने आज कुछ की, हो सकता है आपको समझ आए, ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।